जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल पर हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य में बाइबल स्टडी चल रही है और मैं एक वचन पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 10 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वास ही रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 10 दिन तुझे क्लेश उठाना पड़ेगा। अभी प्रकाशित वाक्य मतलब एक ऐसा पुस्तक है जो लिखा है वो है नहीं, जो है वो लिखा नहीं है। सारी भेद वाली बातें जो है वो यहाँ पर लिखी है। अभी ये 10 दिन का क्लेश क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 दिन का क्लेश, जब इसराइल के लोग मिस्र देश में थे और वहाँ पर गुलाम बने हुए थे, और जब परमेश्वर ने वहाँ पर मूसा को भेजे और मूसा ने जाकर वहाँ पर लोगों को छुड़ाया, तो वहाँ पर जो चमत्कार हुए थे वो चमत्कार 10 चमत्कार थे। और उनमें से सबसे पहला चमत्कार ये था, निर्गमन उसका 7वां अध्याय और 20 वचन। वहाँ पर सबसे पहले ये हुआ था कि पानी का लहू हो गया था और सभी लोग लहू से परेशान हो गए और पीने का पानी उनको नहीं मिला। फिर निर्गमन उसका 8वां अध्याय उसका 6 वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर मेढक आए और मेढक से पूरा मिस्र देश जो है वो परेशान हुआ। फिर निर्गमन 8:17 में लिखा है कि सभी के सर में जुए आए और जू से लोग परेशान हुए। उसके बाद चौथी जो बवा वहाँ पर आई थी वो है निर्गमन 8वां अध्याय उसका 24 वचन, और वहाँ पर मक्खियाँ आई थी। उसके बाद 9वां अध्याय और 3रा वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि पशु पर मरे फैली और पशु जो है वो काफ़ी मर गए। फिर निर्गमन 9वां अध्याय उसका 10 वचन उसमें लिखा है कि फोड़े निकल आए और लोग फोड़े से वो परेशान हुए। फिर 9वां अध्याय उसका 24 वचन फिर वहाँ पर लिखा है ओले आए, मतलब कि बर्फ गिरा ऊपर से ओले गिरे। फिर आगे लिखा है 10वां अध्याय उसका 13वां वचन वहाँ पर लिखा है टिड्डी आई और खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसके बाद 10वां अध्याय और 22 वचन में लिखा है कि पूरे मिस्र देश में अंधकार छा गया। और आखिरी जो मुश्किल वहाँ पर आई वो ये थी कि 12वां अध्याय उसका 29 वचन और मिस्र देश में जितने भी पहलौठे थे वो सारे मार दिए गए। अभी परमेश्वर बोलते हैं कि 10 दिन तुझे झेलने होंगे, 10 दिन जो विपत्ति है तुझे झेलनी पड़ेगी। तो 10 दिन का मतलब होता है कि मिस्र देश में जो 10 तरह की विपत्तियाँ आई वो। अभी ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ तो बहुत ध्यान समझ रख कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि ऐसा ही तेरे साथ होगा, लेकिन 10 बार 10 अलग अलग तरह की विपत्तियाँ आई। लेकिन निर्गमन आप पढ़ोगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि फिरौन तेरे लोग और मेरे लोग में मैं भेद रखूँगा, तो तेरे लोग जो होंगे वो इस विपत्तियों से परेशान होंगे लेकिन मेरे लोग परेशान नहीं होंगे। तो पूरे मिस्र देश में जब पानी का लहू बन गया था, लेकिन उसी मिस्र देश के अंदर जहाँ पर गोशेन नाम का शहर था, जहाँ पर इज़राइल लोग रहते थे, उनके वहाँ का पानी लहू नहीं होता था। पूरे मिस्र देश में मेढक आते थे लेकिन वहीं पर रहने वाले गोशेन के अंदर रहने वाले इज़राइल लोगों के ऊपर मेढक नहीं आते थे। मतलब परमेश्वर ने ऐसा कहा मेरे लोग और फिरौन तेरे लोग दोनों में मैं भेद रखूँगा, मतलब तेरे लोग परेशान होंगे मेरे लोग परेशान नहीं होंगे। और वहाँ पर 10 तरह की विपत्तियाँ आई। तो आज भी परमेश्वर ऐसा कहने चाहते हैं ऐसी 10 विपत्तियाँ का कितनी भी विपत्तियाँ आ जाए, आखिरी दिनों में कितनी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन जो मसीह के लोग हैं और जो मसीह के लोग नहीं हैं उनके अंदर भेद रहेगा। जो मसीह के लोग होंगे उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, वो बीमार नहीं होंगे। आज देखो पूरे कोरोना से लोग परेशान है, लेकिन जो मसीह के लोग मतलब मसीह धर्म वाले नहीं, जो सच्चाई से आत्मा से मसीह के साथ चलते ऐसे लोगों को कोरोना नहीं होगा।
वो लोग नहीं मरेंगे ऐसी बवाओं से, वैसी विपत्ति से नहीं मरने वाले। परमेश्वर उनमें भेद रखते हैं। अगर आप भी सच्चे मसीह नहीं हो तो समझ लेना आप किसी भी चीज़ों से परेशान हो सकते हो। और अगर पिछले दिनों में आपको कोरोना हो चुका है तो संभल कर रही है कि आप मसीह के नहीं हो, मसीह के बनो। मसीह के मतलब मसीह के ही और किसी के नहीं, उसको बोलते हैं मसीह के। आज लोग वैक्सीन ले रहे क्यों? क्योंकि उनको डर है, वो मसीह के नहीं है इसलिए उनको डर है। जो मसीह के हैं उनके पास मुश्किलें नहीं आएगी। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि तेरे डेरे के पास, तेरे तंबू के पास महामारी नहीं आ सकती, हमारे पास नहीं आएगी। परमेश्वर अपने लोगों से भेद रखते हैं, अपने लोग और फिर उनके लोग, शैतान के लोग, दोनों में भेद है और परमेश्वर अपने लोगों को बचा कर रखते हैं। परमेश्वर बोलते हैं तेरे एक और हज़ार और तेरे दाहिने और 10,000 आएंगे लेकिन वो तुझे कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे परमेश्वर बोलते हैं भजन संहिता 121 में कि दिन में सूरज और रात को चंद्रमा तुझे कुछ भी हानि नहीं पहुँचाएगा। ये हमारे परमेश्वर का वचन है अपने लोगों के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सिंह का बच्चा होता है उसको भूख लगती है, उसको सहन करना पड़ता है, लेकिन मेरे जो लोग हैं उनका मैं गुजारा करूंगा। तो हमारे परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए भेद, हम सच्चे इज़राइली होने चाहिए। रोमिया उसके 9 अध्याय में लिखा है 6-8 में कि जो वचन से चलते हैं, जो वचन के पुत्र हैं वही परमेश्वर की अंश हैं। और परमेश्वर जो वचन से चलते हैं उनके साथ भेद रखते हैं, उनको अलग रखते हैं, उनकी संभाल रखते हैं। तो 10 दिन की विपत्ति मतलब कोई 10 दिन तक नहीं, क्योंकि अगर 10 दिन के लिए होती तो परमेश्वर ऐसा ना लिखते। जो मैंने वचन पढ़ा था भजन प्रकाशित वाक्य उसका 2:10 उसमें ऐसा लिखा है और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। ये सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं है, क्योंकि आगे लिखा है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। प्राण देने तक, इसका मतलब ये 10 विपत्तियाँ या चाहे कितनी भी विपत्तियाँ, लेकिन अंत तक प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। अगर प्राण देने तक आप विश्वास योग्य बने रहे, परमेश्वर की आज्ञाकारी करते रहे, तो कोई भी बीमारी, कोई भी क्लेश आपको उठाना नहीं पड़ेगा। 10 दिन का क्लेश मतलब 10 विपत्ति जो संसार लोग उससे परेशान होते, आप नहीं होंगे अगर आप मसीह के हो तो। तो 10 दिन का मतलब कोई 10 दिन नहीं है। मुझे ऐसा कोई इंसान दिखाना कि जिसके पास 10 दिन विपत्ति आती हो परमेश्वर का लोग और उसके बाद उसको कभी कुछ ना होता हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन संसार जिस बातों से परेशान होता है उनमें से एक भी बात तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, ऐसा परमेश्वर कहना चाहते हैं। इसलिए प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहो। तो परमेश्वर आपको आशीष दे और इसी तरह से परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहो। परमेश्वर का आप आशीष दे। आमीन।